यस, फाइंडिंग ए इनवर्स इन 5 सेकेंड्स। आज मैं आपको 5 सेकेंड के अंदर इनवर्स निकालने का, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने का तरीका बताता हूँ। एक 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर। आप देखिए, ये शॉर्टकट मेथड है इनवर्स निकालने का। आप पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा हमें एग्ज़ाम के अंदर, या CBSE बोर्ड, JK बोर्ड, या कोई भी और बोर्ड, क्या फ़ायदा होगा? तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कोई भी आंसर चेक कर सकते हैं। सिर्फ 5 सेकेंड में आप आंसर निकाल के फिर चेक कर सकते हैं आपके सही है या गलत है। तो हम देखते हैं, मैंने एक्सरसाइज 3.4 ले ली NCERT की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। 1 - 1 2 3, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो मैं अभी निकालता हूँ, आप देखिए शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू 1 - 1 2 3, ये मैंने इसका नाम रख दिया। अब आपने करना क्या है, हमें ए इन्वर्स निकालना है। देन ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, देखिए बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए आपको गिवन है। ए इन्वर्स निकालने का तरीका आप देखिए, आप मैट्रिक्स एक बना लीजिए, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स ही होता है। अब ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, आपने क्या करना है, ये 1 है, ये 3 है, डायगनल में 1 है या 3 है, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस डायगनल को इंटरचेंज कर देना है। ये जो डायगनल है, इन नंबर्स को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। 1 की जगह 3 लिखना है और 3 की जगह 1 लिखना है। तो हम इंटरचेंज करते हैं, वहाँ 1 3 था, मैंने क्या लिखा, यहाँ 3 लिखा और यहाँ 1 लिखा। सबसे पहले अपने डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, इस डायगनल की डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। और जो दूसरा डायगनल है उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ साइन चेंज कर देना है। ये -1 था, 1 लिखना है, ये +2 था, इसको -2 लिखना है। यानी जो प्लस का होगा उसको माइनस का लिखना है, जो माइनस का होगा उसको प्लस का लिखना है। और साथ में एक चीज़ और करनी है, यहाँ लिखना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 3 और 2 5, इसका डिटर्मिनेंट होगा 5। आप निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना आता है। तो बस ए इन्वर्स निकालने का तरीका क्या, सबसे पहले आपने क्या करना है, डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना, दूसरे डायगनल के साइन चेंज कर देने, और 1 अपॉन इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो सिर्फ आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं वो लिख देना है। तो बस 5 सेकंड से के भी अंदर आप अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो 5 सेकंड से भी कम समय में आप इस तरह के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और NCERT के करता हूँ, आप देखिए फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। मैंने NCERT एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन ले लिया, आप देखना ये तो उससे भी आसान है बिल्कुल। तो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले इसका नाम रख देना। नाम रखने में तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, ना ही ये कोई स्टेप है नाम रखना। ये रख दिया हमने नाम इसका। अब हमने ए इन्वर्स निकालना है, देन ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, क्या तरीका है, मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स बनाने के बाद डायगनल एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दो, मेन डायगनल जो है उसके डायगनल एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दो। 2 की जगह 1 लिखो और 1 की जगह 2 लिखो, तो 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, बात खत्म। जो दूसरे हैं उनको ऐसे ही रहने देना, साइन चेंज कर देना, इसके साथ प्लस है तो माइनस, इसके साथ प्लस है तो माइनस, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट लिखना है। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 1 द 2, -1 1 द 1, 2 में से 1 निकाला, 1, यानी 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 1, तो बस डिटर्मिनेंट, तो यही इसका इन्वर्स आ जाएगा, 1 - 1 - 1 2। सो सिंपल, 5 सेकंड के अंदर अंदर आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। आप बाकी जितने भी पार्ट हैं आप ट्राई कीजिए। थैंक यू।